further about kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। हमने पहले देखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम में आता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जब आपका बॉक्स चलने लगे आगे, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, बॉक्स के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, राइट, और अब ये आगे चलने लगा, तो अब फोर्स का एक फिक्स्ड वैल्यू, फोर्स का एक कांस्टेंट वैल्यू फ्रिक्शन का इसको पीछे की तरफ खींचेगा और बॉक्स आगे खसकते जाएगा, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमें समझनी है वो ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स इज कांस्टेंट, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह वेरिएबल नहीं है। ये सबसे, दोनों में ये फर्क है, ये डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है बेटे? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो स्टैटिक की तरह सेल्फ एडजस्टेबल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये देखा गया कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आया था वो काइनेटिक में अप्लाई नहीं होता। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट अप्लाई हियर, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम जिसको कहते हैं, है ना, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट कंटिन्यू टू एक्ट, डज नॉट कंटिन्यू टू एक्ट इन मोशन। ठीक है, तो यहां पर एक अलग फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, हम जैसे जैसे फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे बढ़ा रहे थे, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर बढ़ रहा था, कब? स्टैटिक में, और मैक्सिमम हो गया और उसके बाद चलने लगा आगे। लेकिन जब ये चलने लगा तो अब फ्रिक्शन फिर से रिड्यूस हो जाता है और वो जो मैक्सिमम फोर्स था वो अब नहीं लगता, लिमिटिंग फोर्स का जो फ्रिक्शन का फोर्स था वो यहां पर लगता नहीं है, डज नॉट कंटिन्यू टू एक्ट इन मोशन। और इसीलिए यहां पर ये देखा गया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है एफ के बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? एफ के, एफ के मतलब काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर बनता है इसको लिखा जाता है म्यू के इनटू एन, नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर कोएफिशिएंट म्यू के इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या यहां तक सबके समझ में आया? यस सर। हाँ सर, लिख लो फटाफट, फास्ट लिख लो फास्ट।
तो इसको भी मैं एफ के लिख देता हूं, ये है आपका एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन जो बनेगा म्यू के इंटू एन। और ये देखा गया कि जो एफ के जो एक्ट होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, इट इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, कम हो जाता है लिमिटिंग के, लिमिटिंग तक पहले फोर्स बढ़ जाता है और जैसे ही मोशन चालू हो जाता है उसके बाद फ्रिक्शन घट जाता है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ रहे हो ना सब लोग, लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक, तो उससे ये हमेशा कम होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि म्यू के इंटू एन इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, यस और नो? म्यू के इंटू एन इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, तो एन एन कैंसिल, तो इससे पता चल गया कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ठीक है, समझा जी? हाँ सर। तो इन जनरल प्रैक्टिस बहुत सारे केसेस में इनके जो वैल्यूज होते हैं वो बहुत थोड़े से वैल्यू से कम ज्यादा होते हैं। तो समटाइम्स बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में, इन मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इन मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस म्यू के इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू एस। अप्रोक्सीमेटली इक्वल कभी कभी इनको लिया जाता है क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटे क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि म्यू के को आपको म्यू के अलग से दिया है, म्यू एस अलग से दिया है, तो आप अलग अलग यूज करके उसको सॉल्व कर लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बताया, बस फ्रिक्शन बोला है इन जनरल, अगर क्वेश्चन में इन जनरल बस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं स्टैटिक में भी और काइनेटिक में भी, तो दोनों को इक्वल ही लेना है आपको। स्पेसिफिकली अगर नहीं बोला तो आपको दोनों को इक्वल ही कंसिडर करना है। प्यारे बच्चों समझे क्या हम इस बात को? ओके हाँ सर। इस तरह से चलिए इसके ऊपर ये समझा, काइनेटिक फ्रिक्शन सबको समझा। ये काइनेटिक में एक बात आपको क्लियर कराता हूं, ये देखो एक बात बता रहा हूं आपको, ध्यान दो। इसका अगर एफबीडी ड्रॉ करें तो एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स पीछे की तरफ, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। ध्यान दो रे, इसका समेशन fx इक्वल्स टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन अगर है a तो इसको लिखना पड़ेगा f माइनस एफ के शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर वन बनेगा। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। समेशन एफ वाई में क्या होगा? जीरो होगा। क्यों भाई? क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, वाई डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो जीरो इक्विलिब्रियम। n इज इक्वल्स टू mg, तो n माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg यूज करेंगे आप। समझे इस बात को?
क्लियर। और जो आपका एफ के यहां पर लिखा है आपने, ये एफ के ये होता है म्यू के एन, तो ये बन जाता है आपका म्यू के इंटू एम जी, म्यू के इंटू एम जी। क्लियर। ये इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये टेक्निक है, इसके प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। समझा है सबको बेटे? सर जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। टेक डाउन द क्वेश्चन। ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है, इसका वजन है 12 केजी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन इक्वल्स टू 0.5। आपको बोला है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इफ द ब्लॉक इज अप्लाइड डबल द फोर्स applied previously, then find acceleration of block। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए बेटे, 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम रुक जाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये 12 केजी का ब्लॉक है और इस 12 केजी के ब्लॉक में जमीन में रख दिया है। इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.6 है और म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.5 है। आपको पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली। कर सकते हो क्या? आप इसको कर सकते हो? बिल्कुल आसान है ना। मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स मतलब इसको कितना मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स मैं दे दूं ताकि ये जस्ट मूव कर जाए। तो मैंने बोला था जस्ट मूव करने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, है ना। तो पहले का आंसर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो आपको बाहर से देना है वो एफ एल के बराबर होगा। FL होता है म्यू एस इंटू एन, तो इसको नीचे कौन खींचेगा, mg, और ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की जगह लिखेंगे हम mg को, तो ये FL बनेगा म्यू एस mg, और म्यू एस कितना 0.6 इंटू 12 इंटू 10, जी को 10 मानना है, तो ये 6 एंड 12 सिक्स 72 न्यूटन। कुछ समझ में आया? दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। क्लियर।
हाँ गार्गी सही है, माधवी सही है, वेरी गुड. सेकंड, सेकंड के बारे में सोचो. इफ ब्लॉक इज अप्लाइड डबल द फोर्स, ब्लॉक इज अप्लाइड डबल द फोर्स अप्लाइड प्रीवियसली, मतलब 72 का अब डबल फोर्स अगर अप्लाई कर दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा. क्वेश्चन समझा? तो अब इस ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो 72 का डबल, 72 इंटू 2 न्यूटन, 144 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो रहा है. अब जब इतना फोर्स एक्ट होगा तो क्या बॉक्स मूव करेगा? हाँ बॉक्स मूव करेगा. तो कौन सा फ्रिक्शन अभी इसके ऊपर लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? बोलो, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक. काइनेटिक तो एफ के काइनेटिक. तो इसका समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 144 आगे खींच रहा है माइनस एफ के पीछे खींच रहा है इक्वल्स टू 12 ए. तो ये 144 माइनस एफ के की जगह लिखेंगे म्यू के इनटू एन. तो ये 144 माइनस म्यू के दिया है 0.5. देखिए म्यू के का वैल्यू अलग है, ध्यान में रखना, हमने क्वेश्चन में अलग अलग दिया है तो अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं हम. 0.5, तो इसलिए 0.5 नॉर्मल रिएक्शन जो हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया. नॉर्मल रिएक्शन कितना? mg. तो mg कितना है? 120. 12 इंटू जी इक्वल्स टू 12 ए. सो हाउ मच इज दिस? दिस इज 144 माइनस 0.5 इंटू ये कर दिया तो 60 बनता है इक्वल्स टू 12 ए. फटाफट कैलकुलेट करके बताइए. इक्वल्स टू 144 में से 60 गए तो ये 40 और 20 60, तो 84 बाय 12 6. सेवन ना सर? और सेवन, सेवन क्लियर? यस सर. हाँ सर. गुड. तो समझा हमने कैसे सॉल्व किया इसको? हाँ सर. हाँ सर समझा. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व होंगे, ठीक है, और इसी को हम कंटिन्यू